जीवा जी मैंने जरा गर्म पानी करके दे, मारो गले में खांसी हो रही। अभी लाई। अच्छा सुन, मारो कमरा में लेके आ जाइयो। हाँ रात को भी चैन नहीं है बुढ़िया को, गले में खराशी तो है, कौन सी रातों रात मर जाती। बस मुझे परेशान करने की रहती है इसे। कभी कभी जी करता है कि गला घोट के मार डालो, फिर ना रहेगा गला और ना रहेगी खलास। हाय रे, मुझे तो अब तेरी जिंदगी पे तरस आ रहा है। मन्ने तो लगता था कि तारा पति शिकारी शेर है, पर वो तो बूढ़ा बैल निकला। रहन दे, शिकारी शेर तो मन्ने तारा पति पन को नहीं लागे। हाँ, बातें बनाना आसान है, असल में झेलना उसी को पड़ता है जिसकी परेशानी होवे। आई बात समझ में? हाँ हाँ, तो ठीक कह रही है, पर परेशानी का मतलब उसे झेलना नहीं होता, उसका समाधान निकालना भी होता है। अच्छा हाँ, तो तुझे क्या लगता है मारी वो परेशानी का क्या समाधान होवे? एक काम करती हूँ ना, मैं अपना पति बदल देती हूँ, है ना? या फिर अपनी डायन सास का गलाई घोट देती हूँ, है ना? के कह रही है तू, बावरी हो गई के? इतना कुछ करने की जरूरत ही ना है। तो के करूँ? एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बढ़िया सा समाधान देती हूँ। के तू चल तो सही, चल। सारी कुछ बात इधर ही बता दूँ के? चल चल तू चल, आ जा। काम कर, तू इधर ही ठहर, मैं अब लाती हूँ, ठीक है? ले, मिल गया तेरा समाधान। अब देख गुलाबो, एक बात अपनी कान खोल के सुन ले मेरी, इस दुनिया में ना हर चीज अपने मुताबिक नहीं मिलती है, कभी कभी उसे अपने मुताबिक बनाना पड़ता है, कभी कभी तो शराफत से और कभी कभी चड़ाकी से। के है यो? ये वो चीज है जो एक रात के लिए तेरे पति को शिकारी शेर बना देगा, वो भी भूखा शेर, जो बिस्तर पे तुझे नोच खाएगा। वो कैसे? बस तो एक काम करना, रात को ना अपने पति के दूध में इसे मिलाकर उसे पिला देना, फिर इंतजार करना उसके शिकारी शेर बनने का, फिर उसके बाद तुझे उससे कोई नहीं बचा सकता। हाय राम, कब से मुझे इसी पल का इंतजार था। तो समझ, ये पल तेरे लिए आज आ गया। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन कोई फायदा ना है, जब तक मेरी डायन सास जिंदा है ना, तब तक तेरी हो कोई जादू की दवाई मेरे काम ना आने वाली। जब तक मेरी सास जिंदा है, मुझे वो चैन से मरने तक ना देगी। गुलाबो, तो फिकर मत कर, मेरे पास तेरी सास का भी समाधान है। के है, के है? देखना चाहोगी? हाँ। ये ले, जादू की पुड़िया, बस अपने सास के दूध में इसको मिला के पिला देना, और उसके बाद वो ऐसा सोएगी जैसे कि कब्र में मुर्दा सोता है। लेकिन क्या है यो? नींद की गोलियां। अच्छा। थैंक यू।
ये रही नींद की गोलियां और ये रही मेरे भोले पति के लिए दवाई। बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? मम्मी मुझे मिठाई खानी है, प्लीज दो ना। बेटा रात में मिठाई खाने से दांत सड़ जाते हैं और वैसे भी मिठाई खत्म हो गई है, जाओ सो जाओ। लेकिन दादी तो कह रही थी बहुत मिठाई है, मम्मी मुझे खानी है प्लीज दो ना। ये बुढ़िया पता नहीं और मेरे बच्चे को केक के बताती होगी। अब ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आती हूँ, हाँ फिर सो जाना। सो जाएगा ना? हाँ ठीक है। ये लो मिठाई, अब जाके चुपचाप सो जाओ। आप मुझे मिठाई भी दाए। अरे गुलाबो, आज के दूध का स्वाद तो बड़े कमाल का था। होगा क्यों नहीं, आज हमने आपके लिए स्पेशल अपने हाथों से जो बनाया है। तब तो तू मुझे हमेशा अपने हाथों से ही पिलाया कर। अच्छा, इतने ही प्यार से आप रोज मांगोगे तो रोज